तो हेलो गाइस, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हमने उठाया है और यहाँ से पांच क्वेश्चन जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। और पांच क्वेश्चन मैं यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, तो इस टॉपिक से कम आप आईआईटी का, चाहे नीट का, चाहे आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। ये मेरा तीसरा जो जा रहा है वीडियो, हमने दूसरा लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया केपी केसी डेलेन के निकालने के लिए हमने बताया है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि वहां पे गैस गैस फॉर्म में लेके मैं निकाला था, केसी निकाला था, यहाँ पे सॉलिड और गैस फॉर्म में लेके लिक्विड भी होगा, तो उसको भी अपन देखेंगे यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे अगर बोलता है सबसे पहले कि आपको देखो, यहाँ पे दो तीन चीज मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि केसी पहले मैं आपको बता दूं निकालने के लिए, फिर डेल एन निकालना मैं आपको बता दूं ना, डेल एन। तो अपन जब बात करेंगे यहाँ पे डेल एन और केसी, तो इसको जब मैं केसी निकालूंगा तो केसी बराबर मैं लिखूंगा, केसी बराबर ना क्या लिखूंगा, केसी बराबर जब मुझे निकालना होगा तो ये सॉलिड है, ये गैस है, सॉलिड है, गैस है, ठीक है। तो गैस फॉर्म अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या सॉलिड पे डिपेंड नहीं करेगा, सॉलिड पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका जब आप निकालोगे तो क्या होगा, वाई सांद्रता, ये जो आगे दिख रहा है ये आपका, ये टू आ जाएगा, क्या जाएगा, टू आ जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, ये भी आपका डिपेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, बी आएगा और पावर में क्या आएगा आपका, टू आएगा, सिर्फ गैस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ गैस पर डिपेंड करेगा। डेलेन की बात करते हैं तो डेलेन भी सेम प्रोसेस है कि सिर्फ गैस पर डिपेंड करेगा, मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि डेल एन जब मैं निकालूंगा यहाँ पे, देखो डेल एन तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी टू है गैस फॉर्म में, यहाँ पे टू है गैस फॉर्म में, तो टू माइनस टू कर देंगे यहाँ पे, क्या आएगा आपका, जीरो, क्या आएगा आपका, जीरो। जिसका रिलेशन जब आप निकालोगे, आपने पढ़ा होगा कि केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी इंटू आरटी के पावर में क्या होता है, यहाँ पे डेल एन होता है, राइट। अब पता है डेल एन का मान जीरो हो गया ना, तो डेल एन का मान जो है जीरो हो गया, तो यहाँ पे वन लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ये आपका बेसिक है कि इसमें अगर ध्यान दोगे कि अगर आपका अभिक्रिया के दर बोलता निकालने के लिए, तो अभिक्रिया के दर जो है आपका अभिकारक में हमेशा माइनस होता है, तो अभिक्रिया के दर जो होता है आप इसको दिखाना चाहोगे तो आप ये बोल सकते हो डी एक्स बाय डी टी, क्या लिखोगे, बेग ना, अभिक्रिया के बेग अगर निकालना चाहोगे तो बेग बराबर क्या होता है, ये टॉपिक के लिए मैं दूसरा जो है टॉपिक दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इतने समझ लो कि अभिक्रिया के जो बेग निकालते हो तो माइनस, देखो इधर का जितना होगा ये आपका अभिकारक है और इधर का जितना होगा ये आपके क्या उत्पाद है, राइट। तो अभिक्रिया बेग जो है आपका सॉलिड और लिक्विड, ध्यान देना सॉलिड और लिक्विड यहाँ पर भी डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ गैस पर डिपेंड करता है। तो इस केस में भी मैं बात करूँ तो सबसे पहले केस समझ लो कि अभिक्रिया जो होता है इधर वाला आपका अभिकारक, तो माइनस डी ए ना, डी ए बाई डी टी होता है, समझ लो ऐसा, डी ए बाई डी टी होता है, ये अभिक्रिया के बेग बताता है, अभिक्रिया के बेग क्या होता है, माइनस डी ए बाई डी टी होता है। अभी मैं बताऊंगा ये चेन प्रॉपर्टी होता क्या है, तो इस केस में भी अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इसका थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा ना, क्योंकि ये दूसरा टॉपिक है, आप थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको समझने में। अभी फिलहाल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको मैं पूरा क्लियर करता हूँ। तो अगेन यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे आप जब केसी निकालोगे तो केसी में क्या हो जाएगा आपका, देखो ये सॉलिड है तो ये और ये, तो इससे कोई लेना देना है नहीं, नहीं है, तो यहाँ पे क्या करोगे सिर्फ CO2, अब क्या करोगे डिटरमाइन बॉक्स में लिखोगे CO2, राइट, खत्म, है ना, केसी इज इक्वल टू CO2, राइट। अब यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे केसी तो निकल गया ना, यहाँ पे क्या निकालोगे डेल एन निकालोगे, क्या निकालोगे डेल एन, तो डेल एन निकालोगे, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो, देखो यहाँ पे क्या है डेल एन के लिए जीरो, यहाँ पे जीरो आएगा, तो यहाँ पे करेंगे यहाँ पे, तो वन और माइनस जीरो माइनस जीरो, यहाँ पे क्या आएगा आपका वन सिर्फ आएगा, क्या आएगा वन आएगा। तो इस केसेस में आपका देखो डेल एन का मान जो है जीरो से बड़ा हो गया ना, इस केसेस में आपने रिलेशन पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्या पढ़ा होगा के पी ग्रेटर के सी, क्या होगा के पी ग्रेटर के सी, आपका क्या जाएगा के पी ग्रेटर के सी, राइट। तो इस केसेस में आपका जीरो से बड़ा है वन, इसलिए जो है के पी ग्रेटर के सी हो जाएगा।
ठीक है। इस केस में थ्री के लिए अगर हम केसेस बात करेंगे यहाँ पे थ्री के केसेस के लिए, तो 4CO सॉलिड और ये क्या है सॉलिड, ये है क्या है गैस है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये KC हो जाएगा, ये क्या होगा KC इज इक्वल टू, अपन जब बात करेंगे तो ये और ये डिपेंड नहीं करेगा, ये और ये डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये O2 आएगा गैस फॉर्म में आएगा, और ये आपका देखो ये गैस फॉर्म आ रहा ना, सॉरी गैस फॉर्म के लिए सिर्फ हम दिखाएंगे, यहाँ पे नहीं है तो इसको नहीं शो करेंगे। तो सॉलिड और लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है, राइट, इतना समझ आ रहा है। अब डेल एन का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे डेल एन का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे जीरो, इसका भी जीरो, और इसका क्या आएगा यहाँ पे वन आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा यहाँ पे वन, क्या आएगा यहाँ पे वन, इतना समझ आ रहा है, आ रहा ना डेल एन का मान क्या आ गया वन आ गया, मतलब जीरो से बड़ा। तो इस केस में क्या होगा केपी ग्रेटर जो होगा केसी होगा, हमने इसका पूरा कंडीशन बताया हुआ है, आप नेक्स्ट जाके लेक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जगह छोड़ा है, इसमें थोड़ा सा मैं लौटूंगा तो फिर बात करूंगा इसी के लिए हम। तो देखो फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे भी क्या करेंगे केसी निकालेंगे, क्या करेंगे केसी निकालेंगे, केसी इज इक्वल टू देखो ये सॉलिड है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा सी एस टू आएगा, राइट, यहाँ पे क्या आएगा आपका एस टू आएगा गैस फॉर्म में है ना, ये आपका केसी आ जाएगा। अब आप निकालोगे, आप डेल एन निकालोगे, क्या निकालोगे डेल एन, तो उत्पाद माइनस अभिकारक होता है, तो उत्पाद यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन है, ये जीरो है, ये ध्यान देना, जो सॉलिड होता है उसका जीरो होता है, उसका वन हो जाएगा, तो वन माइनस वन कर दोगे तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो डेल एन का मान जीरो, तो यहाँ पे इस केस में डेल एन का मान जीरो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केपी इज इक्वल टू केसी हो जाएगा कंडीशन के हिसाब से, राइट। एक क्वेश्चन मैं कुछ और दो तीन क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो कि आप प्रैक्टिकली जो है प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पे देखो सॉलिड है, काट दो इसको, हमने हमको इससे लेना देना है नहीं, हम क्या करेंगे केसी इज इक्वल टू निकालेंगे सी ओ, यहाँ पे क्या होगा टू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ओ टू आएगा ना, राइट, ऐसे कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका ये केसी निकल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सॉलिड था ना, सॉलिड को हमको जो है केसी पे डिपेंड नहीं करता है, बाय द वे लिक्विड भी आता है तो वहां पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे क्या करेंगे डेल एन बराबर लिखेंगे टू माइनस वन ना, देखो ये टू और यहाँ पे वन है, तो आपको गैस के फॉर्म में निकालेंगे, यहाँ पे क्या आएगा वन आएगा, इस केस में भी क्या होगा केपी ग्रेटर केसी होगा, इतना समझ रहा है। अपन जब बात करेंगे नेक्स्ट में, आपका ये होमवर्क हम दे रहे हैं ना, होमवर्क देने से पहले हम आपको एक केसेस आप बता दें यहाँ पे कि बाय द वे अगर ये ऐसा कुछ बोलता है ये लिक्विड है और ये आपका जो है डी जो है आपका गैस है, ठीक है, और ये आपका ऐसे कुछ आ रहा है, ये आपका दे रहा है सी जो है आपका जो है सॉलिड है और डी जो है आपका लिक्विड, ऐसा कुछ दे रहा है बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में अब जब आप केसी निकालते हो तो केसी निकाल तो क्या होता है उत्पाद बटे अभिकारक सांद्रता के हिसाब से निकालेंगे, इतना बटे इतना करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है सॉलिड और लिक्विड है तो ये डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे वन मान लेंगे सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए सांद्रता, यहाँ पे क्या मानेंगे वन मानेंगे, तो वन दिखाएंगे यहाँ पे वन ना डिवाइड, ये भी वन हो जाएगा, तो इसको भी दिखाना पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जो है आपका डी निकलेगा ऐसा, ठीक है ना। अगर आप डेल एन इस कंडीशन के हिसाब से निकाल दो, इस कंडीशन के हिसाब से ध्यान दो, ये जीरो ये वन ये जीरो ये जीरो, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा जीरो माइनस वन करोगे, जीरो माइनस वन, जीरो में से देखो माइनस वन हो रहा है, आंसर क्या आएगा आपका माइनस वन आएगा, क्या आएगा माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे जीरो है ना, जीरो में से माइनस को वन करो तो कितना आएगा माइनस वन आएगा, तो आपका डेल एन का मान कितना आएगा माइनस वन। तो इस केस में आपका क्या होगा केपी ग्रेटर सॉरी केपी लेस जो होता है केसी होगा, तो मतलब केसी जो है अगर जीरो का अगर डेल एन का मान जो है जीरो से अगर छोटा अगर हो जाता है तो केसी ग्रेटर हो जाता है, केसी ग्रेटर हो जाता है और केपी जो है छोटा हो जाता है। इस केसेस में जो है आप उम्मीद है कि आप लगाओगे, देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो प्रैक्टिकली आप मुझे जो है कमेंट के थ्रू बताए। जब क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि मान लेते हैं यहाँ पे टू टू ए ये गैस फॉर्म में है और यहाँ पे क्या दिया है थ्री बी ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका दिया हुआ है ऐसा, फोर सी ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, राइट, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे फाइव है, कितना है फाइव है ऐसा, तो इसको आप निकालोगे केपी और सॉरी केसी निकालोगे और यहाँ पे क्या निकालोगे डेल एन निकालोगे ना केसेस के कंडीशन के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन में क्या करोगे ये आपका जो है होमवर्क है, ये आप कमेंट के थ्रू मुझे बताओगे। यहाँ पे क्या लोगे यहाँ पे मान लेते यहाँ पे थ्री बाई टू ना, थ्री बाई टू यहाँ पे ए गैस फॉर्म में, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं फोर बाई थ्री, यहाँ पे करेंगे बी आपका सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एट बाई फाइव, ठीक है, ये आपका आएगा मान लेते हैं डी है, ये क्या आपका डी है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है।
तुम्हारा तो ऐसा कुछ बनता है भाई दिवे ना, तो हम आपको सिर्फ समझाने के पर्पज हम बता रहे हैं। तो इसको क्या करोगे आप, केसी का फाइन करोगे आप, और फिर यहाँ पे क्या करोगे डेल एन को फाइन करोगे। एक कमेंट के थ्रू मुझे बताओगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। हमने उम्मीद किया कि आपको पांच क्वेश्चन हमने बताया, कितने क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन बताया, पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से हमने समझाने की कोशिश किया और आपको समझ भी आए होंगे। आप यहाँ पे पता एक नोट कर लेना, आप नोट ये करना आप कि जब हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कराने के साथ साथ में जब इसका केसी का मान निकालते हैं, केसी का मान सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ जो है गैस पे डिपेंड करता है। ये आप पॉइंट लिख के रखोगे ना, क्योंकि यहां से देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आईआईटी में, बहुत सारे जो एंट्रेंस आप पेपर अगर बैठे हो ना, तो हर पेपर का आप उठा के देखो, यहां से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो इस टॉपिक को आपको पूरा कंप्लीट करना है, और अभी तक हमने तीन चार जो भी लेक्चर हमने लिया अगर पूरा आपने अगर देखा होगा, तो आप 100% में विश्वास दिलाता हूं कि आपको जो है पूरी पूरी तरह से जो है आपको पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप जो है इसको नोट कर लो, और इसका जो है आप मुझे जो है कॉमेंट में भी बताओगे, कॉमेंट मुझे करोगे, ठीक है, कि सर मुझे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये कमेंट करोगे इसका प्रॉपर, आप मुझे जो कमेंट में इसका आंसर बताओगे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है, मुझे भी ये पता चले कि आपको कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ईमानदारी से पूरा करना आप लोग ना, और मुझे बताओगे, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।